नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो फिर से मेरे एक नए फ्रेश वीडियो में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टाइफॉइड फीवर के बारे में जानने वाले हैं और उसकी एक अव्वल नंबर की दवाई जिसे रामबाण दवाई भी बोला जाता है और उसका नाम है बैप्टिसिया टिंचोरिया। तो हमें कौन से टाइफॉइड के लक्षण पर यह दवाई देनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था टाइफॉइड फीवर और उसकी जो रामबाण दवा जिसका नाम है बैप्टिसिया टिंचोरिया उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइफॉइड कौन से बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला टाइफी और वो हमारे बॉडी में कैसे आता है तो वो फूड के द्वारा और पानी के द्वारा, मतलब अगर ख़राब खाना रहेगा और ख़राब पानी रहेगा तो उसके कारण वो हमारे बॉडी में आता है और हमें टाइफॉइड जैसी बीमारी होती है। तो अभी मैं बात करता हूँ बैप्टिसिया टिंचोरिया के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर बुर्नेट उन्होंने क्या बोला था कि बैप्टिसिया इज़ अ किंग ऑफ ऑल द रेमेडी इन टाइफॉइड। मतलब क्या कि टाइफॉइड की जितनी भी दवाई है उसमें से ये जो दवाई है बैप्टिसिया टिंचोरिया उसको राजा माना गया है, क्योंकि टाइफॉइड पर ये बहुत ज़्यादा असर दिखाती है। अभी मैं बात करूँ लक्षण पे कि कौन से लक्षण पे हमें ये दवाई देनी चाहिए टाइफॉइड के। तो सबसे पहले तो हमारा जो शरीर का तापमान है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत इतना इधर तक हो जाता है। मतलब हमारा बॉडी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बुखार आते हैं, हमें बहुत नर्वसनेस जैसी फील होती है, चिलीनेस, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है टाइफॉइड में और एकिंग पेन बहुत होता है। जिस किसी को भी टाइफॉइड हुआ रहेगा उनको पता चल चुका रहेगा कि क्या क्या लक्षण आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है अगर टाइफॉइड का हुआ तो, पीठ बहुत दुखती है पीछे की और पैर बहुत दुखते हैं टाइफॉइड को अगर टाइफॉइड हुआ तो। साथ ही साथ सोर लेम ब्रूविश फीलिंग, मतलब क्या कि अभी जिस किसी को भी टाइफॉइड हुआ है अगर वो किधर भी सोने जाते तो मान लीजिए अगर वो सीधा सोया है तो पीछे का ये जो हिस्सा है जिस पे वो सोया हुआ है वो उधर उसको बहुत सोर जैसी फीलिंग होगी। सोर मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा पेन होगा अगर वो टच करेगा जमीन पे, जमीन को टच करते हैं अपने ये पीछे वाले हिस्से से, जो भी हिस्से पे वो सोया हुआ है वो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ब्रूविश मतलब क्या कि ऐसा होता है ना कि कभी कुछ हमें मार लग गई हो तो लाल कलर हो जाता है या ब्राउन या ब्लू कलर का हो जाता है तो वैसा कलर उधर आ जाता है। साथ ही साथ देखे तो हॉट बन जाते हैं थोड़े समय के बाद, हॉट बनना, वो जो ज़मीन पे हम सोया हुए पीछे वाला हिस्सा ये जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है टच पे वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चालू हो जाता है। मतलब सोर लेम ब्रूविश फीलिंग ऐसी फीलिंग होती है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है जो भी हिस्से पे वो सोया हुआ है, उधर जो हिस्सा ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है उधर बहुत मतलब लाल कलर हो सकता है, ब्लू कलर का बन जाएगा और बहुत थोड़े समय के बाद उसको वो हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म लगना चालू हो जाता है। अगर पल्सिस के बारे में बात करें तो उसको ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। ब्रैडीकार्डिया मतलब कि हमारे शरीर में जो हार्ट बीट है वो एक मिनट में 72 टाइम धड़कता है, हमारा जो दिल है एक मिनट में। बट ब्रैडीकार्डिया मतलब क्या कि 60 से कम बार धड़कता है हमारा दिल तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। मतलब कि जब हमें टाइफॉइड होता है तो हमारी दिल की जो धड़कन है वो 60 से कम हो जाती है, नॉर्मल कितनी रहती है 72 हो जाता है। और साथ ही साथ जो पल्स है फुल और सॉफ्ट बन जाता है, हमें पल्स अच्छे से सुनाई नहीं देते हैं, तो ये और लक्षण है। फिर ऑफेंसिवनेस, टाइफॉइड के फीवर में देखे तो कौन से कोई भी डिस्चार्ज रहेगा जैसे कि मल हो गया या यूरिन हो गया, लेट्रिन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्वेट, जो पसीना आ रहा है, नहीं तो अल्सर, छाले है, वहाँ से बहुत गंदी बास आती है अगर बैप्टिसिया टिंचोरिया का पेशेंट रहेगा, वहाँ से बहुत गंदी बास आती है। साथ ही साथ वो जो सांस ले रहा है वो सांस में भी बहुत गंदी बास आती है, मतलब ऑफेंसिवनेस ऑफ ब्रीथ होता है उसे। मतलब क्या कि जब कभी कोई ऐसा कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को भी चेक करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इतनी बास आती है वो पेशेंट में से। फिर टंग के बारे में बात करें तो ये बैप्टिसिया टिंचोरिया पेशेंट है उसका टंग कैसा रह सकता है, तो वाइट कोटेड रहता है और फिर रेड पेपिले हो जाते हैं, लाल कलर का बन जाएगा, फिर तो उसके बाद येलो ब्राउन कलर हो जाएगा और जो टंग है वो ड्राई सूख जाएगी,
करेक्ट हो जाएगी, बीच में करेक्ट आ जाएगी और अल्सर छाले पड़ जाएंगे टंग में, ऐसी टंग बन जाएगी बैप्टिस्टा टिंचुरा पेशेंट की। डेलीरियम, जो बैप्टिस्टा पेशेंट है वो क्या सोचता है अपने माइंड में, तो उसको हमेशा जो बैप्टिस्टा पेशेंट है वो क्या सोचता है, जब भी वो सोता है तो उसको क्या लगता है कि उसका सिर किधर और है और उसका जो नीचे के पैर बोलते हैं वो किधर और है, उसको ऐसा लगता है। और वो तीसरा प्रश्न है तो वो क्या लगता है कि मैं अपने शरीर को ढक नहीं पा रहा हूँ चादर से, उसको क्या लगता है सिर किधर और है, मेरे पैर किधर और है और मैं बीच में सोया हूँ, वो अपने चादर से वो सब चीज़ को ढक नहीं पाता है। इसलिए वो हमेशा कोशिश करता है कि वो सब चीज़ को एक साथ जुड़ा रखूँ। उसका बॉडी एकदम बराबर रहता है पर उसका माइंड क्या सोचता है कि मेरे सब चीज़ ऐसे तित्थर बित्थर हो गए, सब जगह फैल चुके, मैं उसे ढक नहीं पा रहा हूँ, तो उसको वैसा लगता है, माइंड में से ऐसा सोचता है। और साथ ही साथ जब कभी कोई चीज़, कोई समझो कोई डॉक्टर हो जो पेशेंट है बैप्टिस्टा पेशेंट को, अगर उसको क्वेश्चन करता है तो वो क्या करता है, क्वेश्चन अगर डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन देने आंसर देने के पहले ही, जवाब देने के पहले ही सो जाएगा, नहीं तो जवाब देते देते बीच जवाब में ही वो सो जाता है, तो वैसा है, ठीक से जवाब भी नहीं देता है वो। अपीयरेंस का पेशेंट देखे, अगर हम देखें तो बैप्टिस्टा टिंचुरा ये जो पेशेंट है वो कैसे दिखते हैं, तो एकदम वीक, बहुत कमज़ोर रहते हैं, प्रोस्टेटेड, बहुत नींद आती है उन्हें, बिसॉर्टेड मतलब क्या कि कोई एक चीज़ उसे पसंद आ गई तो वो चीज़ में वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है, इतना वो चीज़ पसंद आती है उसे, उसको बिसॉर्टेड एक्सप्रेशन बोलते हैं। डस्की, उसका चेहरा है बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आते हैं जिसको मैंने ऐसे बोला, थका हुआ रहता है, डस्की रहता है, बिसॉर्टेड एक्सप्रेशन रहते हैं और ऐसा लगता है कि ड्रंकन है, मतलब कैसा ऐसा दारू पिया हुआ रहता है या शराब पिया हुआ रहता है, तो फिर कैसे ऐसा नशे में रहता है, अगर वैसा टाइप का पेशेंट है तो हमें समझना चाहिए कि ये बैप्टिस्टा टिंचुरा का पेशेंट है। और साथ ही साथ वो सोच नहीं सकते, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनका माइंड सोच ही नहीं सकता और काम करने को बोले तो वो काम भी नहीं कर पाता है, तो ये सब उसका माइंड हो गया। तो ये पूरे लक्षण थे कि हमें ये लक्षण है उसका अपीयरेंस, जैसे बिसॉर्टेड, डस्की, ड्रंकन, बहुत ज़्यादा बास आती है, अगर ऐसे सब लक्षण है और उसको टाइफॉइड का प्रॉब्लम है तो हमें ये दवाई बैप्टिस्टा टिंचुरा देनी चाहिए एज कंसल्टिंग योर डॉक्टर। और साथ ही साथ देखा जाए तो बैप्टिस्टा प्रोड्यूस, ये बैप्टिस्टा काम कैसे करता है, टाइफॉइड वाले दवाई पे, टाइफॉइड जिसको है उस पे असर कैसे करते हैं, तो बैप्टिस्टा टिंचुरा है वो क्या करता है कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटी हमारे बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ बनाएगा अगेंस्ट टाइफॉइड बेसिलस और फिर उसको टाइफॉइड फीवर से लड़ने में मदद करता है, तो ऐसे काम करता है ये बैप्टिस्टा टिंचुरा। तो अगर किसी को भी टाइफॉइड फीवर है और ये लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहले होम्योपैथी में एक रूल रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के बाद इसे 3 या 4 दिन सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में लो, ग्लोब्यूल्स है तो 4-4 दाने भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये पूरा था बैप्टिस्टा टिंचुरा के बारे में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो टाइफॉइड फीवर के रिलेटेड या बैप्टिस्टा टिंचुरा के रिलेटेड ये जो मेडिसिन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड टिल देन गुड बाय।